हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड वी गॉट एग्जैक्टली 70 डेज रिमेनिंग फॉर द सीटी एग्जाम। सो होपफुली हैंगओवर उतर गया होगा और अभी लास्ट फाइनल टच चालू हो गया है फॉर द सीटी प्रिपरेशन। तो सीटी एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑन मार्च 9th। सो विच गिव अस अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज। और जिसको लगता है एग्जाम नहीं हो पाएगा, दिस इज अ टोटली डिफरेंट प्रिपरेशन व्हेन कम टू द कैट एग्जाम। कैट में तो पेपर इतना टफ आता है, यहाँ पे पेपर टफ नहीं है। If you would have been taken in CAT coaching, आपने देखा होगा कि हफ्ते में 3 दिन मैथ्स होता था और एक ही टॉपिक सिर्फ टाइम एंड वर्क, बिकॉज टाइम एंड वर्क वॉज इतना डिटेल लेवल टफ। इधर टाइम एंड वर्क इज बॉयल डाउन टू वन डे, टाइम स्पीड डिस्टेंस इज वन डे, टाइम एंड वर्क इज वन डे। सो एवरी थिंग इज वी आर गोइंग टू कवर अप इन वन डे। दिन के हम दो दो टॉपिक करने वाले हैं। सो माई टारगेट इज वेरी सिंपल, इफ यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स जी स्ट्रेटजी कोर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज माई टारगेट इज वेरी सिंपल, दैट फेब 14 तक पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। इफ आई एम स्टार्टिंग टूडे, आराम से आई कैन कम्प्लीट माई सिलेबस बाई फेब 14। तो जो लोग को डर लग रहा है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आंसर इज वेरी सिंपल, करना है। और अभी अपने पास चिराग भी आ गया है, तो अलादीन का चिराग हमारे पास है, जो मांगोगे सब देगा वो। सो अलादीन का चिराग इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि बेटा तुम बस मांगो। किससे मांगने पता है? खुद से। तुम बस मांगो अपने आप से और तुम करते जाओगे। आई बिलीव इन दैट कंसेप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये चिराग तो मेरे को अभी ओमान में मैंने मिला मेरे को, तो वेरी सिंपल, लेट्स वर्क हार्ड, मेहनत करते जाओ, सब अपने आप विल फॉल इन टू प्लेस। सो इफ यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल, मैं थोड़ा साइड पे रहता हूं, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट पहले थोड़ा साफ देता हूं मैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 70 डेज। फेब 14 तक पूरा सिलेबस खत्म, उसके बाद वी आर गोइंग टू रिवाइज, उसके बाद विल गिव मोर मॉक्स, दिस एंड दैट। ओके, एक मिनट, स्क्रीनशॉट लिया नहीं, अगर तो ये ले लो स्क्रीनशॉट एक। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर आपकी फोटो साथ होनी चाहिए, तब हमें मोटिवेशन मिलता है। साला मेरे को खुद को मेरी फोटो देख के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लो भाई, ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये अपना टाइम टेबल रहेगा एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू ग्रो। पहला टारगेट 50 से विल टारगेट 80 मार्क्स, 80 से 100, 120, 150, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीच अवर टारगेट of 150 mark target JBIMS. Okay, all the best. Thank you. Let's crack the CET exam. ये time table हमें follow करना है और बिंदास बेफिक्र होके हम शुरू करते हैं और सब कुछ ठीक होएगा। Along with this मेरे को 40 mocks देने हैं। यार time अगर आपके पास कम है, job भी करते हो आप, कुछ भी करते हो, तो 30-40 mocks तो हमें देना ही पड़ेगा to reach this target. Along with this we need the books as well. तो अगर आपके पास अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, पहली बार सीटी देने वाले हो, कोई भी एमबी एग्जाम देने वाले हो, तो येलो बुक्स इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ऑलरेडी रिपीटर हो तो अभी सीधा पर्पल बुक्स पे आ जाओ, बिकॉज पर्पल बुक आराम से वी कैन कंप्लीट इन नेक्स्ट 45 डेज। ओके, सो ये बुक्स हमारा टारगेट रहेगा। तो 30-40 मॉक्स पर्पल बुक्स। एंड जी स्ट्रैटेजी इज बेसिकली शॉर्टकट्स फॉर एवरी टॉपिक, हर टॉपिक। आज फॉर एग्जांपल मैं लीनियर अरेंजमेंट का शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो अगर आप अटेंड कर सकते हो तो प्लीज डू अटेंड। दिस अ टाइम टेबल यू आर गोइंग टू फॉलो, आई वॉन्ट टू फॉलो फॉर योर सीईटी एग्जाम। ठीक है, इसके साथ अगर मैं यहाँ पे यहीं पे ऐड कर देता हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू द बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल, दिस इज एज पर द एक्चुअल पेपर। इसके साथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 मार्क्स, जो जॉब करते हैं 30 मार्क्स, जो वेले बैठे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको 30-40 मार्क्स। शॉर्टकट्स फॉर एवरी टॉपिक, शॉर्टकट के बिना भाई कोई फायदा नहीं, बिकॉज सीईटी इज ऑल अबाउट स्पीड गेम। ठीक है, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, मुझे हर चीज़ के शॉर्टकट भी चाहिए। सो मॉक्स, शॉर्टकट, पर्पल बुक्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। फाइन, मोटिवेशन आज की डेट में, आज के लिए मैं जो मोटिवेट करना चाहता हूँ कि चिराग तुम खुद के जिनी हो, तुम जो करना चाहो भाई वो कर सकते हो,
ढक्कन तो उसका खुल जाता है यार। ठीक है चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक सीटी।